मेरी वालदा है ये बहुत ज्यादा औलाद पे सख्ती कर रही है, बहुत ज्यादा जरा जबान वालदा की तेज है, थोड़ा सा समझा दें। वालदा को लाए तो आपको बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले मुझे बोले नहीं दे रही। मुझे अंदाजा हो गया इनके शोहर का इन्ना लिल्ला हो चुका हूं, क्योंकि अगर मैं मजीद आधा घंटा बैठ गया तो मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगा, तो इनके शोहर कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैंने वैसे ही, मुझे यकीन था कि शोहर मर चुके होंगे, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपके शोहर का इंतकाल कब हुआ। तो उन्होंने जब ये पूछा कि इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा वो तो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने आहिस्ता से बोला ताकि उनको सुनाई ना दे, मैंने कहा फिर भी बहुत बर्दाश्त है, 10 साल गुजार लिए, बोले जा रही है ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पूरा विरासत का वो बना के दे दिया, भाई फलां को इतना, फलां को इतना, जो भी शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने कहा हमने लॉयर से पूछा, लॉयर ने कहा बड़ा खानदानी सिस्टम है, बेहतरीन, बेटी को आधी विरासत दी गई है, बेटे को दुगनी। इस पे लोग इतराज करते हैं, हालांकि इस्लाम ने बेटे पे जो जिम्मेदारियां माली डाली है ना, जब वो निकाह करेगा तो बीवी की तमाम तक जिम्मेदारी किस पर होगी, शौहर पर होगी। और जब लड़की निकाह करेगी, करोड़ों रुपए की भी मालिक हो, एक ढेला भी उस पर लाजिम नहीं है कि अपनी औलाद ही अपने शौहर पे खर्च करे। तो उसको शरीयत अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो वो महफूज कर रही है, और बेटे को 2 लाख दे रही है तो खर्च करवा रही है उससे। नतीजे के लिहाज से औरत ही को फायदा है इसमें। और उनके पास कोई सिस्टम है विरासत का, कुत्तों के नाम विरासत हो जाती है, यानी इतनी तरक्की करने के बाद भी ऐसा विरासत का सिस्टम नहीं ला सके जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हो, अभी तक नहीं ला सके। एक एक निजाम को देखो ना आप, इस्लाम के निकाह के निजाम को देखो, तलाक के निजाम को देखो, विरासत के निजाम को देखो, कारोबार के निजाम को देखो, इबादत के सिस्टम को देखें आप। कोई जैसा हमारा इबादत का निजाम है दुनिया में किसी के पास है ये निजाम? मैं तो लोगों को मिसालें देता हूं कि मैं गैर मुस्लिमों की भी इबादत गाहों में गया हूं, ना उनकी अजानें समझ में आती हैं, ना उनकी इबादत समझ में आती है। फिर जो इबादत वो कर रहे हैं उसकी इनके पास कोई दलील नहीं है कि ये वही है जो हमारे मजहबी रहनुमा ने बताई थी, कोई दलील नहीं है। हमारे पास जब किताबुल वुजू से हम शुरू करते हैं, कुरान में आयतें मौजूद हैं, इलाकों तो मेरा सलात फौसिलो वजूहकुम वाइदीकुम मिनल मराफिक। 1400 साल पहले वुजू का जो तरीका कुरान में नाजिल हुआ वो आज तक एज इट इज मौजूद है। लाखों लोग, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई। जकात का निजाम, रमजान की जब ये आयतें नाजिल हुई, शाह